राजा सिंह, राजा सिंह, जाइए सर। राजा सिंह, जैन सर, जैन, राजा सिंह, यस सर। कुछ बात की उसने? नहीं सर, अभी तो बस मेडिकल करा कर लाए, बात तो अब करेंगे। क्या लगता है, कन्फेस करेगा? सर अभी तो लगता है थककर सो गया है, वरना जब से अरेस्ट हुआ है तब से लेकर 5 मिनट पहले तक चिल्ला चिल्ला कर एक ही बात बोल रहा था, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, सर रागिनी अवस्थी आई है। रागिनी अवस्थी, वो डिफेंस लॉयर? हाँ जी सर। सर चाय वाय का इंतजाम करूं फिर? तुझे बड़े जल्दी होती उनकी चाय की। सर मेहमान है ना वो अपने। ठीक है, उनके लिए एक स्पेशल चाय लेके आ, तब तक मैं बात करता हूँ। जी सर। गुड इवनिंग रागिनी जी। वेरी गुड इवनिंग इंस्पेक्टर सिंह। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू सो मच। पहले मैं अपने क्लाइंट से मिल लूँ, उसके बाद। क्लाइंट? क्लाइंट जो आपकी कस्टडी में है। मैडम ये तो ओपन एंड शट केस है, लेकिन आप इतना इंटरेस्टेड क्यों इसमें? मतलब ये कि खून इसी ने किया है और हमारे पास सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है और बहुत जल्दी ही हार्ड एविडेंस भी होंगे। मिस्टर सिंह ये फैसला हम कोर्ट पे छोड़ देते हैं, फिलहाल मैं अपने क्लाइंट से मिलूं। यस व्हाई नॉट, प्लीज। थैंक यू सो मच। वेलकम। राहुल, राहुल, रागिनी मैम ट्रस्ट मी, आई एम इनोसेंट, मैंने कुछ नहीं किया मैम, ट्रस्ट मी। यस गाइस कम ऑन लेट्स हैव पार्टी। एक मिनट, अबे तू बेइज्जती कर रहा है उस दारू की। क्या? अबे क्या क्या? साला 15,000 की बोतल है, सिंगल मॉल्ट, एज फॉर 20 इयर्स। अबे इसको नीट पीते हैं भाई, थोड़ा सा शेक करके ऐसे। सही बोल रहा है ब्रो। अरे ठीक है यार, अगली नीट पी लूंगा बस। और बता सनी, तेरी राइटिंग कैसे चल रही है? मैं बताता हूँ। सनी के फैंस ना उसको लव गुरु बुलाने लगे। अबे मैगजीन में पढ़ा था मैंने। अबे काहे के फैंस, साला एडल्ट बातें लिखता है मैगजीन में, ठरकी लोग पढ़ते हैं बस। अबे सुन, इस महीने से 250 लोगों ने मुझे फैन मेल भेजे हैं और मैंने कितने लोगों का रिलेशनशिप सुधारा है तुझे पता भी है? हाँ बस दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करना। अबे इस बंदे पर नजर नहीं जाती तेरी, साला अब तक रंडवा बैठा ही है, उम्र निकल रही बेचारे की। साले तू मेरी क्या बात कर रहा है? तू जैसे बड़ा कामदेव बना फिर रहा है। अच्छा एक बात बता, कितनी लड़कियां घूम रही है तेरे आगे पीछे? गाइस मेरी गर्लफ्रेंड है, पता है तुम दोनों को यार। अबे सुन, अगर तू उस मोजे की बात कर रहा है जो तेरे बिस्तर के नीचे गीला पड़ा है तो तेरी गर्लफ्रेंड है। बाकी उसके अलावा कोई तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है भाई। गाइस Guys, I'm talking about गुड़गांव वाली आइटम यार, जानते हो तुम लोग। अब कोई गर्लफ्रेंड नहीं है इसकी। अरे चल मान लेते इसकी गर्लफ्रेंड है, तो मिलाता क्यों नहीं है कोई? क्योंकि मैं नहीं चाहता इस हरामी की नजर उस पर पड़े, साला लाइन मारेगा सीधा उस पर भी। अबे सुन, तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, झूठ बोलता है साला। Guys, गर्लफ्रेंड है और वो गुड़गांव में रहती है, B46 Sector 14। और कुछ बताऊं साला? पर मिलाऊंगा नहीं तुम दोनों से। अबे चिल मारो यार दोनों। वैसे राहुल सुन ना, विकी सही बोल रहा है, यू नीड अ गर्ल ब्रो।
अरे यार, I don't think it's a good idea, bro. I'm not ready for a relationship at the moment. अबे तो किसने कहा रिलेशनशिप में पड़ जा, टाइम पास ही कर ले भाई. अरे यार, मैं एक कैजुअल स्टफ भी नहीं चाहता. मैं चाहता हूँ कि रिलेशनशिप पे तभी आऊँ जब सामने वाले को अच्छी तरह से पहचान लूँगी वो कौन है, और सामने वाला भी मुझे अच्छे से पहचान ले कि मैं यानी राहुल रस्तोगी कौन है. वो तो इजी है, राहुल रस्तोगी एक चूतिया है जो ऐसी बातें कर रहा है. अबे ब्रो, तू एक बार क्लब चल और जैसा सनी कहता है वैसा कर, बाद में जो होगा देखेंगे. ओके, तो डन रहा. हम लोग ना कल क्लब जा रहे हैं, और राहुल तू जिस भी सिंगल लड़की पे हाथ रखेगा, आई विल गेट यू डेट विद हर. ओके, ये लव गुरु सन्नी का वादा है तुझसे. इसी बात पे बॉटम सब. क्या बोलता है राहुल? ओके, कम ऑन. चीयर्स ब्रो. चीयर्स ब्रो. तूने बोला था ना जिस लड़की पे हाथ रखूंगा उसे बात करवाएगा मेरी. हाँ हाँ, तू दैट वन, वो जो अकेली बैठी वहां पे, वो लड़की. अबे हाँ भाई, क्या हुआ? नहीं हो पाएगा ना? हाँ बोल. मैंने बोला था नहीं कर पाएगा. अरे यार, ऐसी बात नहीं है, बट आफ्टर सीइंग हर आई डोंट थिंक सो शी इज योर टाइप. अबे साले, तू बकचोदियां करता रहेगा, ऐसा काम भी कराएगा. ओके 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 फाइन. चलो ठीक है, लेट मी एनालाइज हर. सबसे पहले तो उसकी ड्रिंक. ओके, शी हैज ऑर्डर्ड डाइक्री. सो जनरली लड़कियां वोडका प्रेफर करती हैं, बट शी हैज ऑर्डर्ड रम कॉकटेल. इसका मतलब ओल्ड स्कूल है. Not unique, but different. Yeah, man. Then it comes to her watch. So, उसने वॉच राइट हैंड में पहन रखी है. इसका मतलब इधर वो लेफ्टी है या उसका एफ क्वेश्चन बहुत हाई है बॉस. एंड by एफ यू मीन राइट? एग्जैक्टली. एक मिनट एक मिनट एक मिनट. या तो वो मॉडल है या उसको फिल्में देखना बहुत पसंद है. अबे शर्लोक होम्स मत बन, मूवीज पसंद आती होंगी. अबे ये पसंद आएगा कि नहीं वो बता. अबे आएगा ही. देख, उसके लिए ये डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा, बिकॉज ऐसा सीधे लड़के ने उसे कभी अप्रोच नहीं किया होगा. या ट्रू ट्रू. सुनना, ये सब बातें छोड़, तू बस मुझे इंट्रोड्यूस करवा दे, आगे का मैं देख लूंगा. पागल हो गया क्या ब्रो? टू विल बी लाइक अ सुसाइड. मेरी बात सुन. लिसन लिसन लिसन. Yes. मैं जो तुझे बोलूं बस जाके उससे बात कर ले एंड तेरा काम हो जाएगा. सच में? हाँ, लाइक सी, तुझे क्या करना होगा, I'm telling you. वापिस जा. ठीक है, जा ना अब. ओके, जा भाई. थैंक यू. Excuse me. Can I join, please? Yeah, sure. Thank you. Excuse me. One vodka martini, please. Well, mister, आपने James Bond की signature drink order की है, और आप bartender को mention करना ही भूल गए कि आपकी drink shaken होगी या फिर stirred. Well, ma'am. There's a third type also, जिसके बारे में कुछ जेम्स बॉन्ड भी नहीं जानते,
बट साहिल जानता है, साहिल द बार्टेंडर, यू नो हिम, काफी आना जाना लगता है शायद तुम्हारा यहाँ। काफी तो नहीं बट दोस्तों के साथ यूं ही एवरी अदर वीकेंड, यू नो। वैसे तुम्हें कभी देखा नहीं यहाँ पर, आई यू न्यू इन दिस एरिया? बाय द वे आई एम राहुल, आई एम रिया, नाइस टू मीट यू। एक्चुअली मैं अभी यहाँ पर न्यू शिफ्ट हुई हूँ और अभी यहाँ पर किसी को जानती भी नहीं हूँ। फर्स्ट टाइम ही बाहर निकली हूँ इसलिए शायद। अब जानती हो? या। अच्छा, लेट मी गेस, यू आर अ मॉडल राइट? हाउ डिड यू नो दैट? तुम सच में मॉडल हो? पर तुम्हें कैसे पता? लकी गेस आई गेस, सही बोल रहा था। वेल मिस मॉडल, आई एम अ वेब डिजाइनर और मेरा ऑफिस यहीं है पास में। तो फिर कभी घुमाओ अपने ऑफिस। लेट्स ट्राई समथिंग डिफरेंट। व्हाट? लेट्स गो फॉर अ कॉफी, व्हाट डू यू से? वाओ, व्हाट अ यूनिक आइडिया, हाँ, कॉफी। सो दैट्स अ डेट राइट? ओके, लेट्स डू इट, टेक माय नंबर। या श्योर, one second, yeah, 8797, okay, अबे सुनना, तुझे टाई बांधना आता है क्या? अरे यार, तूने मुझे कभी टाई पहनते देखा है क्या? वो तो है यार। ओए, ये सुबह सुबह चिप्स और कोल्ड ड्रिंक लेके कहाँ टहल रहा है भाई? पागल है क्या? सुबह सुबह कोल्ड ड्रिंक पीऊंगा? वोडका है भाई, साइड हट, चुतिया पे मचा रखा है। ए यार, और मेरे शेर कहाँ तक पहुंची तेरी गाड़ी? आई थिंक 15 दिन हो गए तुझे रिया को डेट करते, राइट? आज हो जाएंगे पूरे 2 हफ्ते। नाइस नाइस, कैसे मालूम? टाई क्यों लगा रहा है? अरे वो शाम को जा रहा हूँ ना उससे मिलने, तो सोचा थोड़ा टाई बांध के जाऊँ, इंप्रेशन पड़ेगा, क्या बोलता है? ओके। अच्छा सुनना भाई, थोड़ी हेल्प करना बनाने में। इसे कैसे बनाते पता तुझे? रुक, कैसे? ऐसे ही ना, ये हाँ ऐसे बन गई नॉट और ये आ गई तेरे गले से बाहर। अबे क्या कर रही? टाई बांधना सीख लिया ना, अब पहन के मत जा। साला गर्लफ्रेंड से मिलने टाई पहने कौन जाता है बहनचोद? अबे फेंक क्यों दिया? कमाल है यार। और बता, कुछ नया मसाला? वेल, अबे सुनना, मैंने ना इसको कुछ बोला। क्या? यही कि आई लव हर। उसने क्या बोला? सेम थिंग। सही है यार, क्या मस्त लड़की है, 15 दिन में लव शव हो गया। सही है गुरु, हैं? क्या बोलता है सनी? या मैन, इट्स ग्रेट। और तुझे पता है मैं उसके घर भी जा रहा हूँ डिनर पर। डिनर? हाँ, रात को। अरे हाँ बाबा। अबे वो तेरे साथ सोने का मूड बना चुकी है। क्या बात कर रहा है? अबे सही बक रहा हूँ चूतिया, रात को घर बुलाने का एक ही मतलब होता है। और सुन, आज रात को ना कुछ गिफ्ट लेके जाना उसके लिए, यू नो, कुछ सेक्सी लॉन्जरी वगैरह, शी लव दैट। पक्का भाई? अरे हाँ पक्का। तुझे क्या हुआ बे? साले यहाँ इसकी लॉटरी लग गई है। हाँ साले, तेरी शक्ल से लग रहा है तेरी टट्टी अटकी पड़ी है। लिसन राहुल, मुझे कुछ बताना है तुझे। कुछ सीरियस ज्ञान पहलेगा शायद अभी। ओके कैरी ऑन। तुझे वो पूल क्लब याद है जहाँ पे तू रिया से मिला था? हाँ। एंड उसके बाद तूने रिया पे उंगली रखी और मैंने तुझे उसे इंप्रेस करने का आइडिया दिया था? अबे वो सबको याद है, तू आगे बोलना। तो उससे पहले मेरी नजर रिया पे पड़ी थी।
और वहीं पे मैंने उसको अप्रोच करने का डिसाइड किया था। पर तभी तूने उसकी ओर इशारा कर दिया और अब तेरे मुंह से डेली उसकी बातें सुनने को मिलती हैं। एंड आई डोंट लाइक इट। कहना क्या चाहता है? नथिंग यार, लीव इट। सनी, बात पूरी कर। अबे छोड़ ना यार। सनी, बात पूरी कर। ओके, एज यू विश। आई लाइक रिया और मुझे तो उसके लिए सही लड़का नहीं लगता है। Hey, come on यार, ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है। बहुत बढ़िया सर, तू नहीं बदल सकता। विकी, अच्छा क्या तूने जो इसको सोनिया से नहीं मिलवाया? देख राहुल, तू ये मत भूल कि उसको पटाने में मैंने तेरी हेल्प की थी, वरना तू उससे बात भी नहीं कर पाता। यस, थैंक यू वेरी मच कि तूने मुझे रिया से मिलवाया। तूने मुझे सिखा के भेजा था कि मुझे उससे कैसे बात करनी है। बट एक बात कान खोल के सुन ले, आज मैं उसके घर जा रहा हूं और आज हम सेक्स भी करेंगे और तू कुछ नहीं कर सकता। ओके, बस मुझे बोलना था, मैंने बोल दिया। हाँ, पर कुछ बातें ऐसी होती है ना जो खुद तक रखनी चाहिए। एंड दिस वॉज वन ऑफ देम। आई अग्री। ओके फाइन, वैसे मुझे तुम लोगों के वैलिडेशन की कोई जरूरत नहीं है, पर हाँ लिसन, अगर मुझे उससे बात करनी होगी ना तो मैं कर ही लूंगा, बिकॉज आई ऑलरेडी हैव हर एड्रेस।